जो विल टाइप का अनार होता है उसको वो दारू बोला जाता है, विल टाइप का जो अनार होता है उसको दारू बोला जाता है। तीन टाइप के इसमें डिस्टिंक्ट फ्लावरिंग सीजन होता है, जैसे कि अमरूद गुआओं में अमरूद में होते थे, कौन कौन से, अंबे मरक और हस्तवार, वैसे ही अनार में होते हैं, कौन कौन से, अंबे वार। इसमें फ्लोरिंग कब आती है, जनवरी से फरवरी में, जनवरी से फरवरी में। हार्वेस्टिंग कब होती है, जुलाई टू अगस्त में, 4 से 5 महीने। मतलब आपको फ्लोरिंग टाइम याद रखना है, हार्वेस्ट टाइम अपने आप याद रह जाएगा। क्यों याद रह जाएगा, क्योंकि फ्लोरिंग से 4 से 5 महीने में उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। अंबे वार जनवरी से फरवरी में फ्लोरिंग आती है, जून से अगस्त में हार्वेस्टिंग हो जाती है। मरग बार जून टू जुलाई में फ्लोरिंग आती है, नवंबर से जनवरी में हार्वेस्टिंग हो जाती है। हस्त बार जो है सितंबर से अक्टूबर में फ्लोरिंग होती है, फरवरी टू अप्रैल में उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। और एक्सपोर्ट पर्पज के लिए अगर अपन को निर्यात करना है अनार को, तो कौन सी बार सबसे अच्छी मानी जाती है, तो एक्सपोर्ट पर्पज के लिए हस्त बार सबसे बेस्ट मानी जाती है, हस्त बार सबसे बेस्ट मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं अपन, आगे देख लेते हैं, अपन ने बाहर पढ़ लिया, अब आगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, अनार के इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको अपन देख लेते हैं। आपको साथ साथ पढ़ते जाना है और साथ साथ नोट डाउन करते जाना है और इनको याद भी करते जाना है, इकट्ठा नहीं करना कि बाद में कर लेंगे, आज का काम आज ही खत्म करना है, अगले दिन पर नहीं छोड़ना है। ठीक है, पोमग्रेनेट कौन सा फ्रूट है, नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है, नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है। नॉन क्लाइमेटिक क्या होता है, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जब हम जनरल हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे थे। ठीक है, फ्रूट रेडी टू हार्वेस्ट, एक सौ बीस से 130 दिन, 120 से 130 दिन आफ्टर फ्रूट सेट डेज, आफ्टर फ्रूट सेट मतलब क्या है, फ्रूट सेट होने के बाद से 120 से 130 दिन में किसके लिए, हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाता है। हार्वेस्टिंग की स्टेज कौन सी है, हार्वेस्टिंग स्टेज कौन सी स्टेज पे इसको अनार को हार्वेस्ट किया जाता है, कौन सी स्टेज पे किया जाता है इसको हार्वेस्ट, कलर चेंज टू येलोइश टू रेड, पीले से रेड लाल, येलोइश टू रेड, जब इसका कलर पीले से लाल हो जाता है, येलोइश रेड, पीला रेड हो जाता है, कौन से कलर में चेंज होता है, पीला और लाल में कलर में चेंज हो जाता है, तब इसको हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इसकी वैरायटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसमें कई तरह की वैरायटी है, हार्ड सीडेड सॉफ्ट सीडेड, तो उनको अपन देखेंगे। पहले अपन देख रहे हैं हार्ड सीडेड वैरायटी, उनकी इसकी वैरायटी पोमग्रेनेट की वैरायटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, हार्ड सीडेड वैरायटी, पहले अपन हार्ड सीडेड वैरायटीज को देखें, कौन कौन सी वैरायटी है, कंधारी, कंधारी कंधारी हो गया, मस्कट रेड हो गया, कंधारी, मस्कट रेड, आलंदी बोलो या आलंदी बोल दो एक ही बात है, काबुल, वाद की, ये इसकी हार्ड सीडेड वैरायटी, कंधारी, मस्कट रेड, आलंदी, काबुल और वाद की। ठीक है, ये इसकी कौन सी वैरायटी, हार्ड सीडेड वैरायटी। अब देखें सॉफ्ट सीडेड वैरायटी, सॉफ्ट सीडेड वैरायटी, सॉफ्ट सीडेड वैरायटीज को देखेंगे, मुलायम सीड वाली वैरायटी। ठीक है, ढोलका, इनके कुछ फीचर है वो भी साथ साथ देखते जाएंगे। ढोलका क्या है, कॉमर्शियल वैरायटी है गुजरात की, कॉमर्शियल वैरायटी ऑफ गुजरात, ऑफ गुजरात, गुजरात की कॉमर्शियल वैरायटी है, कौन सी, ढोलका, आपको याद रखना है। पेपर सेल ये वैरायटी का नाम है, पेपर सेल। ठीक, स्पेनिश रूबी ये भी वैरायटी है,
ठीक है, गणेश, गणेश भी वेरायटी है, सॉफ्ट सीडेड वेरायटी है पोमग्रेनेट की। ठीक है, मृदुला, मृदुला, मृदुला भी वेरायटी है किसकी, पोमग्रेनेट की वेरायटी है। ठीक है, आमली दाना, आमली दाना ये भी वेरायटी है इसकी, किसकी, आमली दाना। ये फर्स्ट इट इज, आमली दाना जो वेरायटी, इट इज फर्स्ट F1 हाइब्रिड, फर्स्ट F1 हाइब्रिड है अनार की, पोमग्रेनेट की, गणेश और नाना का क्रॉस है, गणेश वेरायटी और नाना का क्रॉस है, नाना वेरायटी का क्रॉस है। ठीक है, ये अपने वेरायटी के बारे में देख लिया, और भी कुछ वेरायटी है उनको अपन देखेंगे। भगवा, सबसे इंपॉर्टेंट वेरायटी भगवा, भगवा वेरायटी लीडिंग वेरायटी है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, महाराष्ट्र में, लीडिंग वेरायटी इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है इसका। इसको सिंदूरी मस्तानी, इसको सिंदूरी भी बोलते हैं, भगवा को सिंदूरी मस्तानी, मस्तानी और जय महाराष्ट्र भी बोला जाता है, सिंदूरी मस्तानी और जय महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र भी बोला जाता है, आप लोग नोट डाउन कर लेना। भगवा वेरायटी लीडिंग वेरायटी है महाराष्ट्र में, सिंदूरी मस्तानी जय महाराष्ट्र इसी का नाम है। क्या क्या पढ़ा, नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है पोमोग्रेनेट, फ्रूट रेडी टू हार्वेस्ट 120 से 130 दिन, कब, आफ्टर फ्रूट सेट के, फ्रूट सेट होने के 120 से 130 दिन में हार्वेस्ट हो जाता है। हार्वेस्टिंग स्टेज कौन सी है, कलर चेंज हो जाता है हल्का पीला रेड कलर में, तब हार्वेस्टिंग स्टेज है। हार्ड सीडेड वेरायटी कंधारी, मस्कट रेड, आलंदी, काबुल और वादिकी। सॉफ्ट सीडेड वेरायटी में ढोलका हो गया, कमर्शियल वेरायटी गुजरात की, पेपर सेल हो गया, स्पेनिश रूबी हो गया, स्पेनिश रूबी। ठीक है, गणेश हो गया, मृदुला हो गया, आमली दाना हो गया, आमली दाना फर्स्ट F1 हाइब्रिड है किसकी, अनार की। भगवा वेरायटी है लीडिंग वेरायटी है महाराष्ट्र में, सिंदूरी मस्तानी जय महाराष्ट्र इसको बोलते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, आप इतना नोट डाउन कर लेना, उसके बाद में अपन थोड़ा सा और रह गया है पोमग्रेनेट, उसको कंप्लीट करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लेना, उसके बाद अपन आगे देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को रोकर आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, अपन आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं, वीडियो को रोकर आप लोग नोट डाउन कर लेना और अपन आगे देखते हैं, और कुछ वेरायटियां हैं उनको देखते हैं। कौन कौन सी वेरायटी है, ज्योति, ज्योति, ज्योति सोयाबीन की वेरायटी भी है और अनार की वेरायटी भी है, ग्रोइंग गुजरात, कहाँ पे उगाई जाती है, गुजरात में, ज्योति वेरायटी है, अनार की कहाँ उगाई जाती है, गुजरात में उगाई जाती है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, हाइती, हाइटी बोल दो, हाइटी बोल दो, मस्कट बोल दो, मस्कट, हाइटी, मस्कट, फूले अरक्टा, फूले अरक्टा ये किसकी वैरायटी है, पोमोग्रेनेट की वैरायटी है, एक वंडरफुल है, वंडर, वंडरफुल भी वैरायटी का नाम है, किसकी वैरायटी है, पोमोग्रेनेट की। इसका ओरिजिन कहाँ है वंडरफुल का, ओरिजिन यूएसए, यूएसए की है। एक एवरेज फ्रूट का वजन कितना होता है इसका, 700 ग्राम, 700 ग्राम वजन होता है इसके एक फ्रूट का, वंडरफुल वैरायटी का, ये भी आपको याद रखना है। सोलापुर लाल, सोलापुर लाल, सोलापुर एनआरसी है महाराष्ट्र में, इसका पोमग्रेनेट का, ये क्या है, बायो फोर्टिफाइड वेरायटी, बायो फोर्टिफाइड वेरायटी, बायो फोर्टिफाइड वेरायटी, अभी बताऊंगा बायो फोर्टिफाइड क्या चीज होती है, बायो फोर्टिफाइड वेरायटी है। हाई आयरन एंड जिंक, आयरन एंड जिंक। अब आप सोच रहे होंगे बायो फोर्टिफाइड क्या होता है, बायो फोर्टिफाइड का मतलब होता है किसी वेरायटी में किसी न्यूट्रिएंट या किसी तत्व को बढ़ाना, यही है सोलापुर लाल बायो फोर्टिफाइड वेरायटी है। जैसे दूध में बायो फोर्टिफाइड दूध होता है, उसमें किसी न्यूट्रिएंट को बढ़ा देते हैं, उसको बोला जाता है बायो फोर्टिफाइड, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, आज अपन ने पोमग्रेनेट पढ़ लिया है, पोमग्रेनेट अपना खत्म हो गया है, अब अपन पाइनएप्पल अनानास
बाकी के जो फ्रूट बचे हैं उनको एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद अपन वेजिटेबल पे चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करना और पढ़ते जाना, इकट्ठा मत करना मटेरियल को, मैं आप रोज बोल रहा हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, साथ साथ पढ़ते जाना। एग्जाम नजदीक है, लगभग 1.5 महीना अपने एग्जाम को बचा है, आपकी मेहनत आपकी रिजल्ट दिखाएगी, आपकी मेहनत ही आपका रिजल्ट दिखाएगी, तो पढ़ते जाना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत। इसको नोट डाउन कर लेना, वीडियो को रखकर आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स।